हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित सिरमौर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियोज़ देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सिरमौर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हिमाचल प्रदेश के कुल 12 ज़िलों में से एक सिरमौर ज़िला के नाम से जाना जाता है। सिरमौर ज़िला हिमाचल प्रदेश के दक्षिण दिशा की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है। सिरमौर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस हम आपको बता दे रहे हैं कि सिरमौर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस नाहन शहर में मौजूद है, और सिरमौर ज़िला एक बहुत ही खास हिमाचल प्रदेश का ज़िला है। सिरमौर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम शिमला ज़िला व सोलन ज़िला है। सिरमौर ज़िला में 6 तहसील, 5 विधानसभा, 6 ब्लॉक, 228 ग्राम पंचायतें, 48 बैंक, 14 कॉलेज, 6 मुख्य सरकारी अस्पताल, 3 नगर पालिका शामिल है। क्षेत्रफल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 2825 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सिरमौर ज़िला की कुल आबादी 5,29,855 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 2,76,289 और महिला की कुल आबादी 2,53,566 है। सिरमौर ज़िले का औसत लिंगानुपात 915 के करीब है, यानी कि सिरमौर ज़िला में 1,000 पुरुष पर 915 महिला हैं। सिरमौर ज़िला के मुख्य नदी का नाम गनिभार नदी है। गनिभार नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से महज 153 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 274 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो सिरमौर ज़िला सड़क के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 72 और नेशनल हाईवे संख्या 73 ए गुजरती है, जो आगे चलकर हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो सिरमौर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम बारोग रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में 2 प्लेटफॉर्म व 4 पटरी शामिल है, और बारोग रेलवे स्टेशन की स्थापना सन 1903 में हुई थी, और इसका स्टेशन कोड BOF है। और बारोग रेलवे स्टेशन नॉर्थन रेलवे जोन के अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं, जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िले की साक्षरता दर 80% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 80% लोग पढ़े लिखे हैं, जिसमें कि पुरुष व महिला दोनों शामिल है। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर YS पारमर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज ददाहू, गवर्नमेंट कॉलेज काफोटा, गवर्नमेंट कॉलेज पलनता, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ और गवर्नमेंट कॉलेज
सराहन शामिल है। अस्पताल की बात करें तो सिरमौर जिला के मुख्य अस्पताल में शुमार CH ददाऊ, CH राजगढ़, वर्तुका हॉस्पिटल, बोहरा हॉस्पिटल, निर्मल हेल्थ सर्विस आदि शामिल है। पर्यटन स्थल की बात करें तो सिरमौर ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। इस ज़िले के मुख्य पर्यटन स्थल में शुमार चौधार, हब्बन वैली, रेणुका जी, भूरेश्वर महादेव, गुरुद्वारा पेवटन साहिब, भिलाई, बारू साहिब, चांदपुर धार, हरिपुर धार आदि शामिल है, जहाँ पर लोग घूमकर आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, सिरमौर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।